हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे आप कम से कम प्रोडक्ट्स यूज़ करके इस स्मोकी आई मेकअप को कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आपको कोई भी टूल्स खरीदने की ज़रूरत भी नहीं है। मोर ओवर, ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आई हैव यूज्ड इन दिस वीडियो आर इन द रेंज ऑफ 100 to 450 रुपीज़। सो लेट्स गेट इन टू द वीडियो। सो दिस इज़ माई फेस। आई डिड माई स्किन केयर। मैंने मॉइस्चराइज़र और विटामिन सी अप्लाई किया है। एंड फर्स्ट मैं एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ टू मॉइस्चराइज एंड ऑल्सो टू प्राइम माई फेस। आई टेक सम इन माई हैंड्स एंड वार्म इट अप अ लिटिल बिट एंड देन विल अप्लाई इट टू माई फेस। Next, I'm using my Blue Heaven Silicone Primer. It's a very affordable primer and मुझे इसका end results बहुत पसंद है, क्योंकि ये आपकी skin को पूरा smooth बना देता है, आपके pores को अच्छे से fill भी कर देता है। अगर आप aloe vera gel use करते हो and you already have dry skin, then you can skip this step. But for the girls with oily skin, you should include this step while you do your makeup. So now my skin is ready for the makeup. So पहले मैं इनसाइट का सेकेंड स्किन फाउंडेशन से स्टार्ट कर रही हूँ। इट्स अ वेरी अफोर्डेबल फाउंडेशन। मेरा शेड शायद सन बेज है, ये डिस्क्रिप्शन में मैं मैंशन कर दूँगी। इसका प्राइस अराउंड 180 का आता है। दिस गिव्स अ वेरी लाइट एंड पी पी क्रीम टाइप ऑफ अ फिनिश। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक ड्रॉपर काइंड ऑफ बॉटल में आता है। एंड नाउ आई विल बी यूजिंग माई फिंगर्स टू स्प्रेड इट आउट। मैं ऐसे डैप 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 करके उसको जितना हो सके मैं स्प्रेड कर रही हूँ। आफ्टर स्प्रेडिंग द फाउंडेशन, मैं अपना लोकल ब्यूटी ब्लेंडर लेके उसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। ये आपके लोकल शॉप्स में मिल जाएंगे 30 या 50 रुपए के बीच में। So I will be using this to blend the whole foundation properly. Now for concealer, I have two options. First is the NYBA concealer, जो करीब 150 या 180 के बीच में आता है। And second is the Insight 2-in-2 Cover Master, जिसका price around 110 है। But today I will go with the Insight concealer and इसमें मेरा shade sun beige है। इस कंसीलर को मैं अपने अंडर आइज़, एक्ने स्पॉट्स और जहाँ जहाँ पिगमेंटेशन है, जैसे अराउंड माय माउथ, इन एरियाज़ पे अप्लाई करूँगी। फिर अपने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे अच्छे से डैप डैप मोशन में ब्लेंड करूँगी। गाइस, मेक श्योर कि आप अपने ब्यूटी ब्लेंडर को अपने फेस पे ड्रैग ना करें। ऑलवेज गो विद द डैप डैप मोशन और रादर द डैबिंग मोशन। मूविंग ऑन टू सेटिंग माई फेस, जिसके लिए आई एम यूजिंग माई मेबिलीन कॉम्पैक्ट इन द शेड 218 वॉर्म न्यूड। इसके साथ जो पफ आता है, उसके हेल्प से मैं अपने अंडर आइज़ एंड टी जोन को अच्छे से सेट करूँगी। बेसिकली मैं अपना पूरा फेस को सेट करूँगी, बट आई पे अ लिटिल मोर अटेंशन टू माई अंडर आइज़ एंड अराउंड माई माउथ, बिकॉज दीज आर द एरियाज जहाँ पर हम जनरली स्वेट ज़्यादा करते हैं। Now I have this SFR face palette, जिसमें आपको दो अलग blush, एक bronzer and a highlighter भी मिलेगा। इससे आपका face makeup complete हो जाएगा। इसका price around 225 रुपीज़ है। और दूसरा option है ये eye shadow palette, जो आपको 450 रुपीज़ में आएगा। and इसमें से जो brown shades है, उसे आप bronzer की तरह use कर सकते हैं। blush के लिए भी दो तीन अलग shades है and highlighter भी है। साथ में आपके eye makeup के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आज मैं SFR का पैलेट यूज़ करूँगी। सो मैंने अपने ब्यूटी ब्लेंडर के टिप में थोड़ा ये ब्लश को पिक करूँगी एंड बहुत ही लाइट हैंडली मैं डैप 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 करूँगी। दीज ब्लश आर रियली पिगमेंटेड। देन आई पिक द ब्रॉन्जर, और जहाँ पे हम जनरली ब्रॉन्जर लगाते हैं उसी प्लेस एरियाज़ पे मैं अपने फिंगर्स की हेल्प से पहले ब्रॉन्जर को अप्लाई करूँगी और फिर ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। देन फॉर द हाइलाइटर, आई हैव दिस हाइलाइटर शेड, जिसे मैं ब्यूटी ब्लेंडर के
हेल्प से पिक करके आई एम अप्लाइंग इट. लाइक यू कैन सी हाउ गॉर्जियस दिस हाइलाइटर लुक्स. लाइक बहुत ही नेचुरल फिनिश है एंड आई एब्सोल्युटली रिकमेंड डूइंग दिस. आपके पास अगर कोई अलग सा भी हाइलाइटर हो तो भी आप ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से उसे प्लेस कीजिए, बिकॉज ये ज़्यादा नेचुरल फिनिश देता है आपको. अब आई शेडो के लिए आई विल बी यूजिंग अ लिपस्टिक जो कि फ्रॉम इनसाइड से है. सो दिस इज़ इन द शेड कॉफ़ी न्यूड एंड मैं इसे आईलिट के आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करूँगी एंड देन आई विल ब्लेंड इट आउट यूजिंग माई फिंगर्स. और उसके बाद मैं फिर से अपना मेबिलिन का कॉम्पैक्ट लेकर आई विल जस्ट डैप द स्पंज ओवर इट, ताकि लाइक जस्ट बिकॉज ये क्रीम प्रोडक्ट है ताकि वो सेट हो जाए. देन विद द हेल्प ऑफ अ ईयरबड और अ क्यू टिप भी कह सकते हैं आप इसे, मैं थोड़ा सा ब्लैक आई शेडो लेकर आई विल बी अप्लाइंग इट ऑन. नाउ विद द हेल्प ऑफ दैट सेम ईयरबड मैं अपने वाटर लाइन पे और थोड़ा सा टाइप ऑफ लुक क्रिएट करूँगी एंड एज यू कैन सी मैं आउटर कॉर्नर पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ. एंड वंस इट्स डन मैं एक क्लॉथ लेके आसपास के एरियाज़ को थोड़ा क्लीन कर लूँगी एंड देन आई अगेन अप्लाई द सेम लिपस्टिक एंड विल ब्लेंड इट आउट यूजिंग माय फिंगर्स. मूविंग अहेड मैं अपना लाइनर लेके आई विल क्रिएट अ वेरी शार्प विंग. यू कैन ऑल्सो स्किप द स्टेप इफ़ यू वॉन्ट टू, मुझे लगा कि करना चाहिए. एंड देन आई कर्ल माई लैशेज, दिस इज़ ऑल्सो एन अ वेरी ऑप्शनल स्टेप. एंड फॉर मस्कारा आई एम यूजिंग माई मेबिलिन हाइपर कर्ल मस्कारा. इट्स अ वेरी अफोर्डेबल एंड द बेस्ट मस्कारा. एंड आई प्रॉपरली कोट माई आई लैशेज यूजिंग द मस्कारा. And now for lipstick, I have four options. The first is the Mars Lip Crayon in the shade Coral Power. It's a peachy nude for like absolutely for every Indian skin tones. Then I have the NYB lipstick in the shade Peppy Pearson, very famous one and really beautiful shade. Then I have the Insight. It's in the shade Coffee Nude. I used it as my eyeshadow too. It's a brownish nude with a hint of coral. And then the Inside liquid lipstick in the shade Ferocious Pink. So it took me some time but I decided to use the shade Peppy Pearson from NYB. It's a absolutely perfect nude for like every single Indian skin tones. And there's the final look. I hope you guys like the video. I hope you also find it helpful because like it's a perfect look that you can create in this Durga Puja or during any occasion. It's very minimal, very simple and perfect for my beginners. So subscribe to my channel for more such videos.